नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाइव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। 2000 किलोमीटर जाके आपके यूपी बिहार में वहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, बैरिस्टर सुदिनी साहब के साथ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, हर किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं। एक सुनने में आया है कि जिस तरीके में कोविड का दौर चल रहा था उसमें काफ़ी उनका योगदान रहा, तो क्या था जी? कोविड के अंदर जैसे मैं यहाँ का इब्तदाई प्रेसिडेंट हूँ सैयद जलाल हुसैन विजयनगर कॉलोनी के, उनके साथ रहकर जिस जिस घर में राशन पहुँचाना था राशन पहुँचाए, जिस जिस घर में इमदाद करना था इमदाद पहुँचाए, जिस जिसको पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था उनकी मेरे पास लिस्ट है, मैं नाम लेकर बोल सकता हूँ कि उन लोगों को बेड दिलाया माजिद हुसैन साहब ने, और जिसके घर में जो लोग अपने हॉस्पिटल जाने के लिए डिलीवरी के लिए वाइफ को लेके जा रहे थे उन लोगों को पुलिस ने रोका गया, तो वहाँ पे माजिद हुसैन साहब ने उन लोगों को पास दिलाया विजयनगर कॉलोनी में, इंदिरा नगर में, अंजुमन में, आपके चिंतल बस्ती में, कई जगह MLA साहब के साथ। इसके अंदर माजिद हुसैन साहब जैसा कि यहाँ पर इंदिरा नगर में एक जगह एक बिल्डिंग में एक साहब को कोविड आया था, वहाँ पर अतराफ ने बिल्डिंग वालों ने उनको लॉक डाल दिया था। जैसा ही माजिद हुसैन साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इतला दिया तो माजिद हुसैन साहब खुद रह के यहाँ पर एरिया में आकर अपने हाथों से वो लॉक खुलाया और वो पूरे क्वारंटाइन एरिया को KTR साहब भी आए थे, माजिद हुसैन साहब भी आए थे, असद साहब भी आए थे और हमारे साबिका MLA जाफ़र हुसैन मेराज साहब भी थे और उस वक्त के कॉरपोरेटर भी थे, मैं भी मौजूद था, हमारे साथी मुस्तफ़ा साहब थे पूरे एरिए के, घरे घर लेके आके राशन और जैसो पूरी वेजिटेबल तरकारी के किट्स हमने एक एक फ्लैट में एक एक लोगों के घर पे पहुँचाए, उसका रिकॉर्ड है, फोटोज है और उसके अंदर जैसो डेट के साथ पेपर के अंदर भी मेंशन है, मीडिया के अंदर भी मेंशन है। जिस तरीके से उनके टक्कर में वो लोग एक फिरोज़ खान मुल्के जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है वो अपने आप को एक बहुत बड़े लीडर समझते हैं, और तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि जो उनके आज उन्होंने बता रहे कि भाई हमारी सीट विन है? अगर उनकी सीट विन है, उन्होंने कुछ काम करे थे तो पब्लिक के अंदर आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे अतराफ में पब्लिक है, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैं पार्टी की तरफ से बोलने लगेगा, उनका तो हमारे से दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नामपल्ली की जीत 200% नहीं 2000% जीत रहे, सिर्फ इतना है कि मेजोरिटी के लिए हमें काम करना है। अब हम के लिए क्या मैसेज देंगे कि जहाँ हिंदू भी है मुस्लिम भी है इन लोगों के लिए क्या मैसेज? मैं हर किसी के लिए मैसेज देता हूँ कि आप अपने महल्लात के अंदर अपने लीडर्स के जो कॉल करते हैं लाइट के मसले पे, रोड के मसले पे, पुलिस के मसले पे, हर मसले पे आपका लीडर और आपका कॉरपोरेटर आपका MLA MIM का आपके साथ में आता है, जैसा कि लॉकडाउन में साथ में आया, पुलिस स्टेशन में साथ में आता है, स्कूल के मसले में साथ में आता है, हॉस्पिटल के मसले में साथ में आता है, आपकी शादी में शामिल होता है, आपके गम में शामिल होता है, सिर्फ वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर है, इसी वजह से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करिए, माजिद हुसैन साहब को नामपल्ली से वोट देकर कामयाब करिए, इंशाल्लाह हमारी जीत पक्की है। सिर्फ मैं अव्वलिन वक्त अपनी बहनों से, ख़वातीन से और दोस्तों बुज़ुर्गों से ये अपील कर रहा हूँ कि अव्वलिन वक्त जाइए और जैसे वोट डालने से पहले आप स्लिप आपके घर पर पहुँच जाती है उसके साथ वोटर ID कार्ड, एक अपना आधार कार्ड, दो ID लेकर जाइए, जिसके पास स्लिप आ गई भी आपके तो मौजूद है, दो ID कार्ड लेके जाइए। यहाँ पर बस अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, थैंक यू सो मच। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाइव।